ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक ग्लोबल एमएनसी है, उसकी इंडिया में एक लिस्टेड एंटिटी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। इस कंपनी ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं और कंपनी ने अपना जो डिविडेंड पे आउट है अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रखा है, और ये है हमारा 225 रुपीज़ पर शेयर, जो कि पिछले 5 साल से 180 से 200 की रेंज में रहता था। कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट भी बढ़िया रखा है। कंपनी का ईपीएस है 209 रुपये का। इसका मतलब जो बाकी पैसा है कंपनी ने अपने कैश रिजर्व से यूज़ किया। कंपनी की कैश पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 5400 करोड़ का कंपनी के पास कैश ऑन बैलेंस शीट बैठा हुआ है। ऐसी आईटी कंपनी के अंदर क्या रहता है कि इनको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि इनके केपेक्स रिक्वायरमेंट नहीं होते। ये सबसे बड़ा फंडामेंटल रीज़न है इनके बिजनेस मॉडल के अंदर कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में नहीं ऑपरेट करते। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं जहां पे आपका कोर कॉस्ट जो है वो आपका एम्प्लॉई कॉस्ट रहता है। अब ये बात हुई कंपनी की बिजनेस की। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये बाकी आईटी कंपनी से क्यों डिफरेंट है। पहले तो हम इनका कंपैरिजन करें आपकी नेट इनकम और ऑपरेटिंग मार्जिन पे। कंपनी की नेट इनकम मार्जिन जो है वो अराउंड 32% पे ऑपरेट करती है, जो कि लास्ट ईयर हमारा अराउंड 36% था। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 40% से ऊपर के हैं, जो कि एक कंपेरेबल के अंदर आप कोई भी आईटी कंपनी उठाएंगे इंडिया की तो वो 18-20% 15% पे ट्रेड करती हैं ये बिजनेसेस। अब आप पूछेंगे कि इस बिजनेस में ऐसा क्या डिफरेंट है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन तकरीबन डबल पे ट्रेड कर रही है। तो यहां आता है कंपनी का कोर कॉम्पिटेंट एरिया। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर जितनी भी आईटी कंपनीज हैं वो एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती हैं, कि कोई बड़ी कंपनी का उनका बैकएंड सपोर्ट जो है वो एक आईटी कंपनी ने अपने बिजनेस में ले लिया और सारा का सारा आईटी सपोर्ट जो है वो एक आईटी कंपनी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी आती है ओरेकल बिजनेस के अंदर कि वो एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर प्लस एक ऐसा कोर सॉफ्टवेयर देती हैं जो कि एक बारी अगर कंपनी ने यूज़ कर लिया तो वह एक काइंड ऑफ एन्यूटी इनकम कंपनी के लिए बन जाती है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग ऑफरिंग कि कंपनी एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है और प्लस कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो जहां आप एक कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहां डायरेक्टली आपके पास एक ऐसा पैसा एक्स्ट्रा लेने की कैपेबिलिटी होती है अपने कस्टमर से, जो कि डिफरेंट कंपटीशन में कंपनीज आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती। क्योंकि एक सर्विस देने के लिए आपके पास मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज रहेंगी, लेकिन उस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के पास जो आपने कंपनी यूज़ कर ली है अपने सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो कंपटीशन के अंदर काफ़ी कम कंपनीज रहेंगी। क्योंकि अगर आपको वो सॉफ्टवेयर चेंज करना है तो आपके पास पहले तो ट्रेनिंग स्किल सेट्स होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के पास उस नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। दूसरी बात, कोई भी कंपनी जब अपना सॉफ्टवेयर चेंज करती है तो वो एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न होता है कि कंपटीशन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया जो कि आपके पास नहीं है इस एग्जिस्टिंग कंपनी के पास, या फिर कुछ ऐसा वैल्यू डिफरेंट आ रही है जो कि इसलिए आप अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि एक बारी कोई कंपनी इंप्लीमेंट कर ले सॉफ्टवेयर तो वो जेस्टेशन पीरियड ही इतना बड़ा हो जाता है कि कंपनीज इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। यही आता है इस कंपनी का सबसे बड़ा मोट कि ये एक बारी कस्टमर को जीत ले, उसका ट्रस्ट आने की वजह से कंपनी का जो एन्युटी इनकम है वो लगातार बढ़ती रहेगी जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। अब आप ये सोचिए कि इनका एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे कि SBI की ब्रांचेस,
अब SBI की ब्रांचेस इंडिया में 16,000 से ऊपर की हो चुकी हैं। उनका पूरा का पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड जो है वो ओरेकल के सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। अब इस सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए पहली बात तो कंपनी को SBI को ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो ओरेकल सर्विस सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज करने के लिए जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है अपने एम्प्लॉयज के लिए वो भी आपको डिफरेंट करना पड़ेगा कोई और कंपनी का। प्लस जो सिस्टम आपने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया अपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उसको चेंज करने के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसके जो कॉस्ट बेनिफिट है इतने ज़्यादा नहीं होते, इसलिए ये कंपनीज हमारी एक ऐसा मल्टीपल ट्रेड करती हैं कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा ज़्यादा की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन इस मोड के अंदर घुसने से बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज नहीं उठा पाएगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी को पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि कंपनी की जो वैल्यू ऑफरिंग है उसके अंदर इतना स्ट्रांग मोड इन्होंने बना दिया है कि कस्टमर अपना सॉफ्टवेयर चेंज करने से 10 बार ही सोचेगा। इसलिए ये कंपनी बहुत बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रही है अपने ऑपरेटिंग मार्जिन, सिमिलरली अपने नेट मार्जिन पे। अब बात करते हैं कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो पे। अगर आपने TCS या फिर बाकी कंपनीज का देखा होगा तो उनका डिविडेंड यील्ड जो है वो 2-3% 1% के आसपास पे आती है। यहाँ पे कंपनी की जो डिविडेंड पे आउट यील्ड है वो 5-6% से ऊपर की बन रही थी, इसलिए मेरे को इस कंपनी में सबसे ज़्यादा जस्टिफिकेशन मिली पैसा डालने की, क्योंकि एक ऐसा आपको सेफगार्ड मिल गया अपने पैसे पे कि अगर वर्ल्ड में थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं बट अगर आपको सेफ्टी ऑफ पैसा अगर रखना है तो आप उस कंपनी में डालें तो आपके पास जहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी सही रहे। तो ये भी एक कंपनी का प्लस पॉइंट है। तो मैं इस कंपनी पे कुछ बहुत बड़े मोड की वजह से अटैच्ड हूँ और आप भी ऐसे मोड ढूंढें, क्योंकि जब आपको मोड सही तरह से वैलिड टेस्टेड हो जाए तो कंपनी का आपको सही तरीके से बिजनेस मॉडल भी समझ में आएगा। थैंक यू।